नम शिवाय आज हूँ पवित्र महाजागर यही जगर आज आम अच्छा धर्मशाला निर्वाचन मंडली कोतपुर पंचायत बुद्ध लिंगेश्वर जो अच्छी महादेव अच्छा से महादेव पाखे आज पहुँचु केमी रही जगर रात्रा केमी रही बाबा जगर जा आम सीधा सड़क देखा बर्तमान भक्त मैंने भी आसुच्च कि सकाल जी भक्त भिड़ था बर्तमान भक्त मान खूब कम भिड़ रही खराब समय पुणी चारटा बेले भिड़ रुँ सीधा सड़क भक्त कतिक जा अच्छा आज आसी बाबा दर्शन करने आस प्रथम थर आगु के ना आम बर्ष बर्ष धरी आसू ये हूँ आम वृद्धलिंग शैवपीठ ये हूँ प्रसिद्ध तीर्थस्थान यार ऐतिहासिक किंवदंती बहुत किसी रही पारंपरिक रीतनीति बहु वर्ष विभिन्न जगार हजार हजार संख्यार दर्शक आसती आ वर्तमान कोविड कटकणा कोविड गाइडलाइन प्रशासनिक दृष्टिकोण ये अंचल सुचारू रूपे कार्यक्रम त्वरान्वित निजर शुभमन आसी जन बहुत भक्त बहुत दूर आसती जहाँ भी कहते निजर शुभ मनासी बहुत भक्त बहुत दूर आसती मो जे मो पाखे जे अच्छा महिला भक्त भी अच्छा आपण यू बुद्धलिंग को आसुच्चा आसला पर कौन आप मनस्कामना पूर्ण हो सब वर्ष आसुचु मनस्कामना पूरण हो आज भी आम आसीचु ठाकुर मनस्कामना जहाँ भी अच्छे पूरण हो आपण आज उजागर अच्छा पूरा जगर जाली की जिबे ना हूँ आसी बुलिक पल आस बुलिक पलू पुणी आसिक सन्ध्या जगर जाली जहाँ कहते आसपे पुणी बुलिक बुलवाक आसी ठाकुर दर्शन करेंगे पुणी तापर सन्ध्या से आसवे चारटा बेले आसी पहुँचला आसी पहुँचे जगर जाड़े और जितेबाला महादीप उठब से कौन करेंगे यठ भक्त मैंने भी मो गहन अच्छा बर्तमान परिचालन कमिटर जी अच्छा सदस्य अच्छा आम सीधा सड़क जाकुक आपन कहतु ये जो मंदिर अच्छी बहुत प्राचीन मंदिर ये जो मंदिर अच्छी मंदिर परिचालना केमी कर पूजा रीतनीति केमती अच्छी ये हूँ आज्ञा बहु प्राचीनतम मंदिर आर किसी किंवदंती लिखित किंवदंती ना तथापि जहाँ आम पुरुषानुक्रमे शुणी आसू आपे आपे महादेव ये उद्भावन हेले जे कि से जड़े चाष कर कृषक चाष कर समय शरीर में लंगल मुन मार रक्त बाहर एवं तत्कालीन जमीदार को स्वप्न होवर से मंदिर निर्माण कार्य कले के मंदिर तैयारी पूर्णांग आम कहीपर ये मंदिर किसी संपत्ति बाड़ी बेस नुहे मात्र बार एकर संपत्ति चार एकर हूँ तार विजयस्थल और आठ एकर संपत्ति भितर ये नीति हुए कि नीति कार्य व्यवस्था जगर हूँ ये जो जगर अच्छा ये आखपाख अंचल केत्री आसती आते बड़े पर्यटन यात्री मैंने बहुत समागम हूँ प्रति वर्ष कितु कोरोना महामारी आरंभ प्राय ए बर्ष भी से भल लोक होती आम कॉविड 19 नियम पालन कर ये जात्रा आम करूँ ठाकुर नीतिकांति बहुत अच्छी राति चारटू प्राय ठाकुर मंगला आरती कराए बाल्यभोग कराए ठीक 11 10 बेले खिचड़ी नीति हुए बड़ नीति हुए तापर संध्या समय पुनर्बार दही पखाल नीति हेलापर ठाकुर महास्नान कराए जगर जात्रा कराए आम कमिटी तरफ श्रृंखला रखापी आम पुलिस सहायता नहीं था प्रति वर्ष से सहायता करती ए वर्ष अति श्रृंखलार सहित ये पर्व चली देखो मो गण अच्छा भी मुख्य पूजक अच्छा पचार कहतु ये जो अच्छा केत वर्ष पूजा कले पूजा करने द्वारा ये भक्त मान केमी कौन सब मानसिक पूर्ण होफल दिनक दिन ये भक्त मान मान आसवाटा पड़ जा वेद कहते भगवान विष्णु वेदर कही उपनिषद भगवत गीतार मम आत्मा शिव मम चक्षु अर्क मोर आत्मा होचंति शिव मोर चक्षु दुईटे हेले सूर्य पूर्ण वेद कहती जे त्वमेव विदित्वाति मृत्युमेति नान्यः पन्था विद्यते अयनाय तार अर्थटि हेला हे परमात्मा परमेश्वर सदाशिव ये सृष्टि रे तुमर से दिव्य अनुभव दिव्य अनुपम प्रकाश को जो व्यक्ति अनुभव कर न पारिछि बुझि न पारिछि तार परिणति कौन हुए ना मृत्युमेव नान्य पंथा विद्वत अयनाय केवल मृत्यु छड़ा तार आ गति ना से सद्गत हो पार ना सद्गति लाभ करना ताले जे बहु धार्मिक लोक दिव्यदर्शी जो मैंने विद्वान पंडित से मैंने एक बुझी जे शिव को महारथी पवित्र तिथि दर्शन कले कौन मिले ना अमृतत्व च लब्धवा अमृतत्व च गच्छति से अमृतत्व लाभ करे तमाने से परमात्मा
दिव्य परिप्रकाशक अनुभव करे जहाँफल से अमृतत्व गच्छति अमृतमय पुर को चली जाए अर्थात वैकुंठ प्राप्त हुए ये विश्वास थिबारु बहु अतीतर कथा कहूँ बुढ़ा बुढ़ा बुढ़ी एमाने हजार हजार संख्यार आंठे आंठे बाड़ी धरिकी आम मंदिर को आसुले से मत पांच सात वर्ष मोर अध्ययन काल से प्रेरणा प्रभाव पड़ा जहाँफल कि एटी लक्षाधिक जात्री समावेश घटुच किंतु ए कोरोना कटक हेतु ए वर्ष आपण मैंने देखिए जे खूब कम जात्री दुकान बजार खूब कम अच्छी तेणु ये विश्वास जितेबले भगवत प्रेमी हिंदू मान मनरे आसी जाइए जे आज पवित्र दिन में शिव को दर्शन कले पादुक टिके पाईदे धंडा टिके पाईदे मस्तक चंदन टिके मथारे लगेदे ए काया पवित्र हो जाए मनीष अमृतत्व लाभ करी अमृतमय पर चली जाए यही धर्म विश्वास हेतु यह आमर बहुत आम बाप सांत अणसात मैंने आमर पाखाखर जात्री मानक ये तत्व देफल कि मुझे आखिरे देखी अशी वर्ष पंचाशी वर्ष वृद्ध वृद्धा एम बाड़ी धरिकी आस भल होती जहाँ कहते बर्तमान अच्छा मो घर अच्छा आउ जन भी अच्छा आप कहतु हूँ आपण तो पूजक हिसाब से आप बुद्ध लिंगेश्वर को कमी कौ दृष्टिकोण देखुं वंदे देव महापति सुर गुरुपति वंदे जगत कारण वंदे पर्णांग भूषण मृगधर वंदे पशुडांगपति वंदे सूर्य शशांक वर्णनयन वंदे मुकुंद प्रियम वंदे भक्तजनाश्रय चरदं वंदे च शिवशंकर ओं नम शिवाय शिव हूँ पुराण जुगर वर्णित अहिंसार प्रतीक तांकर परिवार हला पार्वती गणेश कार्तिक एमाने तांकर परिवार तांको परिवारु आमे कौन शिक्षा लाभ करूँ शिव हले ठाकुर तांकर अहिंसा नीति रे केमिति तांकर पिला माने रही गणेश रही कार्तिक रही कार्तिक वाहन मयूर अच्छी गणेश बाहन आमर मूषा अच्छी शिवंकर बक्ष रही पड़ी जो सर्पर माल साप पाखरे मूषा अच्छी साप पाखरे मयूर अच्छी तांकर बाहन है वृषभ वृषभ पाखरे वृषभ एवं पार्वती है सिंह सिंह वृषभ जो एकत्र मिलन रोचान ये शिवंक परिवार ये शिव ठाकुर आज जनजगत को शिखाऊँ जे अहिंसाटा कौन अहिंसा हूँ परम धर्म मुझेमी मो पर अहिंसाटा को स्थापन कर रखी भक्त मैने तुम पर भक्त मानक भक्त मैने तुम समस्त पर यही अहिंसा नीति रखा जाऊ परमेश्वर जो परात्मा शिव शिव देवदेव महादेव से महादेव बार मस तेर नीति रही सबु नीति भितर आमर ये जागर पर्व हूँ सबुठ बड़ पर्व एवं कार्तिक पूर्णिमा जो बड़ ओषा हुए से गोटे बड़ पर्व पालन कराए प्रति शनिवार सोमवार अमावास्या कार्तिक पूर्णिमा ये सब भक्त मैंने समस्ते आसी शिव पाखे पूजा करती पाखे शनिश्चर मंदिर अच्छी से शनिश्चर मंदिर को नवग्रह रही को पूजा करती पाखे पार्वती मंदिर अच्छी ये पार्वती मंदिर माँ काठ रु आशीर्वाद ग्रहण करती मोटामोटी भाव में बहुत संख्यार दर्शक बहुत संख्यार दर्शक बहुत घर अच्छा जन भक्त अच्छा आपर कौटी आप ना टे मु श्री निर्मल सामल आम ये पाख अरावल पंचायतर जड़े भक्त वृद्धलिंग सरकार बर्तमान मु अरावल पंचायतर आसी वृद्धलिंग आसी ठाकुर आसी कौन रही आप विश्वास रहा आप जगर वाले आप गाँव भी मंदिर अच्छी विश्वास मूले ये जगत वृद्धलिंगेश्वर पीठ ये पीठ बहु पुरातन से वृद्धलिंगेश्वर दि जाइए बुढ़ा लिंग माने ये लिंग प्राय केबे कौ आवाहम काल रु भक्त माने पूजा करी आसुचंती ता आमुकु मध्य जणा नाय आमर एतिक विश्वास अछि निश्चिंत भावरे ए वृद्धलिंगेश्वरंकर टिके पादुक धंडा पाइदेले
ଦିନର ଦୁଃଖଟା ଲାଘବ ହୋଇଯାଏ। କିଛି ଯୋଜନା ଥିଲେ ଭବିଷ୍ୟତ ଯୋଜନା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରିବା ଲାଗି ତାହା ମଧ୍ୟ ସଫଳ ହୁଏ। ପିଲାମାନଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ କାମନା ପାଇଁ ଆସି ଏଠାରେ ଅଲିଆ ପଡ଼ିଲେ ତାହା ମଧ୍ୟ ସୁଫଳ ହୁଏ। ବହୁ ଦୂରାରତ୍ୟ ବହୁ ପୁରାତନ ରୋଗରୁ ମଧ୍ୟ ବିଶ୍ୱାସ କରିକି ଏଠି ବାବାଙ୍କ ପାଖରେ ଅଲିଆ ପଡ଼ି ଭଲ ହେବାଟା ମଧ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ଏଠାରେ ରହିଛି। ଯାହା ରହିଛି ଯେ ବୃଦ୍ଧଲିଙ୍ଗ ଶଙ୍କରକୁ ଯେଉଁ ଭକ୍ତମାନେ ଆସନ୍ତି ସେମାନେ ନିଶ୍ଚୟ କିଛି ନା କିଛି ତାଙ୍କର ମନସ୍କାମନା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୁଏ ଏବଂ ଆସନ୍ତି। ଆଜି ଭଳି ଜାଗର ଦିନରେ ଯେଉଁମାନେ ଆସିଛନ୍ତି ବାବାଙ୍କର ଦର୍ଶନ ଲାଭ କରିଛନ୍ତି ସେମାନେ ନିଶ୍ଚୟ ପୁଣ୍ୟ କୋଟି ପୁଣ୍ୟର ଲାଭ ପାଇବେ ବୋଲି ଯାହା ପୂଜକ ଏବଂ ଏଠିକାର ଭକ୍ତମାନେ କହୁଥିଲେ। ଯାଜପୁର ଧର୍ମଶାଳାରୁ ଆନନ୍ଦ ମରଣା ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।